और आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे उस फंक्शन की जहां पर वो गई थी दुबई में, आखिरी बार वो शामिल हुई थी। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि कुछ समय पहले जावेद अख्तर से हमारी बातचीत हुई थी, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अच्छी खासी थी और आखिरी बार जब उनसे मुलाकात हुई तो शी वाज फुल ऑफ लाइफ और अचानक इस तरह खाती चाहे खोना, मतलब रात को हम लोग को फोन आया, मैं और शबाना यहाँ पेट्रोल में है जिंदर हेल्थ में जी। और यहाँ खबर मिली रात को कोई 2:30 लगे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रिएक्ट कैसे करेंगे, कैसे क्या बच्चों, मेरा तो दिल जो है बोली के लिए और दोनों बच्चियों के लिए जा रहा है, क्या इनका हाल है, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये लोग तो हमारे लिए फैमिली की तरह रहे, इससे हमारा बोली है अगर है इनसे रिश्ता तो दोस्ताना नहीं है, देखिए समझिए परिवार ऐसा है जी। तो समझ भी नहीं आता कैसे कहें क्या कहें क्या तकलीफ है उसे। बिल्कुल समझ सकते हैं और आप अंदाजा लगाइए कि उनकी बेटी की फिल्म के लिए तैयारियां जिस तरीके से वो एक्साइटेड थी, जानवी गई नहीं दुबई क्योंकि उनको फिल्म में यहाँ पर काम करना था, इतनी सारी चीजें। हालांकि ट्वीट जो किया गया था अमिताभ बच्चन की तरफ से रात को कि अजीब सी घबराहट हो रही है, वो शायद इसी तरफ संकेत था। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बात पूरी करें आप। मैं क्या कहूँ, मतलब कुछ मेरे पास शब्द भी है कुछ, मैं जो अभी तक हैरान सा हूँ कि कैसे हो, कैसे गया, क्या है ये जिंदगी, क्या चीज क्या है, कैसे आती कैसे चली जाती है समझ में नहीं आता। मतलब श्री देवी के लिए कौन ऐसे सोच सकता था कैसा ना किस तरह होगा। वाकई में तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। जावेद अख्तर जो कह रहे हैं कि परिवार के मेंबर की तरह थी। जावेद जी आपकी लास्ट बातचीत कब हुई थी और जैसा कि आपने कहा कि वो कोई बॉलीवुड वाला रिश्ता नहीं था, पारिवारिक रिश्ता था, कुछ और श्रीदेवी के बारे में आप बताना चाहेंगे। नहीं इस वक्त क्या बताऊं मैं आपको, यही है कि मेरे ख्याल से महीना पहले घर पे उनसे मुलाकात हुई थी और हम लोग जब भी मिलते थे सिर्फ हंसते ही रहते थे और जैसे आप बड़ी रिजर्व थी और शर्मीली सी थी, पब्लिक में ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन जिन लोगों से उनके तवैल थे उनके सामने बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर और बहुत दिलचस्प बात थी और स्ट्रेस तो खैर जैसी थी कहने की जरूरी थी। और आपको कब जानकारी मिली इस दुख? लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।